फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पर श्वेता शराब व्लॉग वीडियोज में। तो आज हम बनाएंगे पाव भाजी, जो मुंबई की बहुत ही अच्छी फेमस स्ट्रीट फूड है। पाव भाजी को हम बहुत ही आसान तरीके से घर पर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं पाव भाजी बनाना। स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता देती हूँ मैंने यहाँ पर क्या क्या सामग्री ली हुई है। मैंने यहाँ पर ये 4 से 5 कटा हुआ, मैंने छोटे छोटे पीस में आलू लिया हुआ है, और मैंने ये यहाँ पर एक छोटा गोभी लिया हुआ है, फूल गोभी, और मैंने यहाँ पर एक चुकंदर कटा हुआ लिया, और ये एक प्याज ली है, और ये एक टमाटर लिया हुआ है जिसको बहुत बारीक काट लिया है। ये मैंने एक शिमला मिर्च बहुत बारीक काटी हुई ली हुई है। ये मैंने यहाँ पर 1 कप हरी मटर ली हुई है, और मैंने यहाँ पर ये 1 हरी मिर्च ली हुई है, और ये धनिया पत्ती लिया है। मैंने यहाँ पर 1/4 चम्मच ये हल्दी पाउडर लिया है। मैंने यहाँ पर ये 1 चम्मच नमक लिया है। मैंने यहाँ पर ये 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया हुआ है, और मैंने यहाँ पर 1 चम्मच ये अदरक और ये लहसुन का पेस्ट लिया है, और मैंने 2 चम्मच यहाँ पाव भाजी मसाला लिया हुआ है, और ये मैंने यहाँ पर 3 बड़े टमाटर लिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुकर ले रही हूँ, और कुकर में मैं इस तरह से सभी सब्जियों को ऐड कर दूंगी। यहाँ पर मेरी सारी सब्जियाँ ऐड हो चुकी हैं, और अब मैं इसमें 2 ग्लास पानी ऐड करूंगी। इसके बाद इसमें मैं हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी, और स्वाद के अनुसार मैं नमक ऐड करूंगी। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर मटर डालना भूल गई थी, तो मैं उसे भी ऐड कर दूंगी। और फ्रेंड्स, अब मैं कुकर को बंद कर दूंगी। मेरी ये जो बची हुई सामग्री है, इनसे मैं बाद में अपनी भाजी को फ्राई करूंगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं कुकर को गैस में चढ़ा दे रही हूँ, और मुझे हाई फ्लेम पर 2 सीटी लगाना है, लो फ्लेम पर मुझे 1 ही सीटी लगाना है। जब तक मेरा ये पककर तैयार होगा, तो चलिए तब तक मैं भाजी को फ्राई करने की तैयारी कर लेती हूँ। तो देखिए, मैं भाजी को फ्राई कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये कढ़ाई गरम कर ली है। मैं यहाँ पर ये आपको बटर बताना भूल गई थी, ये मैंने बटर लिया हुआ है, तो मैं इसमें ये बटर डालूंगी। बटर को मैं मेल्ट होने दूंगी थोड़ी देर। देखिए, मेरा बटर मेल्ट हो गया है यहाँ पर। अब मैं इसमें ये प्याज डाल दूंगी। इसके बाद ये थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट डालूंगी, अदरक लहसुन का, और इसको थोड़ा सा भूनूंगी। ये हरी मिर्च डाल दूंगी, इसको मैं थोड़ा हल्का ब्राउन होने तक इस तरह से भूनूंगी। ये देखिए, मेरा प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें ये टमाटर डाल दूंगी, और थोड़ा सा इसमें मैं नमक डालूंगी, जिससे मेरा टमाटर अच्छे से गल जाए, और मैं इसको टमाटर अच्छा मैश होने तक भूनूंगी। जब तक मेरा मसाला तैयार हो रहा है भुनकर, तब तक मैं ये कुकर में चेक कर लेती हूँ मेरी सब्जियाँ कैसी पकी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से मेरी सब्जी पक चुकी है। मेरी सब्जियाँ ये इस तरह से पक गई हैं। कलर भी आप देख सकते हैं, जो चुकंदर डाला था उससे कलर बहुत अच्छा आया है। अब मैं इसको इस तरह से इससे मैश कर लूंगी इन सबको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मथानी से मैंने इसको मथा है, तो मेरा फ्रेंड्स ये देखिए, मेरा ये मैश हो चुका है। मैंने इसको मथानी से मैश किया है, और मैं अब इसको फ्राई करूंगी। अब मैं इसमें ये शिमला मिर्च डाल दूंगी, इसको अच्छा पकने तक भूनूंगी। टमाटर और शिमला मिर्च अच्छी तरह से मैश हो जाना चाहिए।
ये देखिए मेरा टमाटर और शिमला मिर्च प्याज भूनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें ये थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल दूंगी और मैंने यहाँ पर ये जो मसाला लिया हुआ था पाव भाजी मसाला, मैंने यहाँ पर ये एवरेस्ट का लिया हुआ है तो मैं ये डाल दूंगी 2 चम्मच और ये धनिया पत्ती भी ऐड कर दूंगी। इस तरह से अब मैं इसे चला दूंगी। मैंने मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें ये जो मैंने ये भाजी ली हुई थी ये मैं डाल दूंगी जो मैंने बॉईल की थी। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। स्वाद के अनुसार मैं इसमें नमक डालूंगी। वैसे भी मैंने जब बॉईल किया था तो नमक मैं डाल चुकी थी। मैं इसमें ये थोड़ा सा फूड कलर डाल दूंगी, ये मैंने लिया हुआ है आप देख सकते हैं, तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें भी और नहीं चाहें तो नहीं भी डालें। जैसे किसी मेहमान के लिए बना रहे हैं आप तो आप ये फूड कलर थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। मैंने यहाँ पर ये 2 चुटकी कलर डाला हुआ है। मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं कि मेरी पाव भाजी का कलर कितना अच्छा आ गया है। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा खिलकर कलर आया हुआ है पाव ये भाजी का मेरी, और आप देख सकते हैं वैसे भी आपको समझ में तो आ ही गया होगा देखकर। मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह पकने दूंगी अच्छे से। देखिए मेरी यहाँ पर ये भाजी बनकर तैयार हो चुकी है और मैंने इसमें यहाँ पर थोड़ी सा बटर भी ऐड कर दिया है। अब मैं जब तक पाव की तैयारी करती हूँ तो मैं ये भाजी को अपनी ढककर रख दूंगी जिससे ये ठंडी नहीं हो पाए। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ये पाव तलने के लिए तवा चढ़ा लिया है, गैस में गर्म हो गया मेरा, और मैं अब ये पाव को इस तरह से ये देखिए इस तरह से निकालूंगी और मैं इसमें अब ये बटर डालूंगी। ये बटर मेरा मेल्ट हो गया है, इसमें मैं थोड़ी सी ये भाजी भी डाल दूंगी जो मैंने बनाई हुई है। मैं इस तरह से अब इसको फ्रेंड्स ये मेरी पाव भाजी बनकर तैयार है खाने को, आप देख रहे होंगे, और ये बहुत ही टेस्टी बनी हुई है और आप भी ज़रूर घर में बनाइएगा और सबको बनाकर खिलाइएगा। फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।